आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बच्चे जब रोते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है। देखिए, बिल्कुल छोटे बच्चे बड़ों की तरह शब्दों के माध्यम से अपनी बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क अभी विकसित हो रहा होता है। तो ऐसे में अपनी बात जाहिर करने के लिए उनके पास एक ही माध्यम होता है और वो होता है उनका रोना। बच्चे को रोता सुन मां तुरंत विचलित हो जाती है और अगर थोड़ी सी भी बच्चे से दूर है तो तुरंत बच्चे के पास पहुंचना चाहती है। ऐसे मौक़ों पे आपने अक्सर सहेलियों से या घर के किसी सदस्य को ही परेशान माँ को यह सलाह देते हुए सुना होगा, चिंता मत करो, थोड़ा देर बच्चा भी रो भी रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन मातृत्व एक्सपर्ट फैंडलो प्लीच ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है कि बच्चे को बार बार इस तरह से रोते बिलखते छोड़ देना उसके विकसित हो रहे मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है। हाल ही में मस्तिष्क वैज्ञानिकों द्वारा किया गया एक शोध में भी यह सामने आया है कि लंबे समय तक रोना शिशु के स्ट्रेस लेवल को अत्यधिक बढ़ा देता है। इस दौरान कोर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और यह दिमाग के लिए विषैला होता है। इंग्लैंड के गार्डियन अखबार की एक रिपोर्ट से बातचीत करते हुए जिन लेखिका ने कहा है कि एक बच्चे का रोना स्वाभाविक है, सिर्फ उसका रोना मात्र कोई परेशानी नहीं है। कुछ बच्चे ज्यादा रोते हैं तो कुछ कम रोते हैं। एक शिशु के पहले एक वर्ष में उसके पास ध्यान खींचने का एक ही तरीका होता है और अगर उसके इस तरीके से उसको बार बार सफलता नहीं मिलती है तो इससे उसके भावनात्मक विकास पर अत्यधिक असर पड़ता है। एक बच्चा जिसके रोने पर कोई उसकी तरफ नहीं आता है तो धीरे धीरे बगैर रोए या बहुत कम रोकर ही सोना शुरू कर देता है। उसके अविकसित मस्तिष्क को यह संदेश मिलता है कि कोई उसकी चिंता नहीं करता है और नन्हे दिमाग पर यह संदेश एक अमिट छाप छोड़ता है। उसका नतीजा उसे जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। वहीं इसके उलट जब एक बच्चे को रोता सुन उसके माँ या पापा उसके पास आकर प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं तो बच्चे को इस ममत्व का एहसास होता है और उसके मस्तिष्क को एक सकारात्मक संदेश मिलता है कि मुझे प्यार करने वाले लोग हैं और जब मुझे कोई तकलीफ होगी तो कोई है जो मेरा ख्याल रखेगा। यह संदेश उसके मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। तो अगली बार जब अपने बच्चे को रोता सुने तो उससे ज़्यादा दूर अपनी ममता से वंचित मत रखिए। आपका प्यार का एक एहसास उसे जीवन भर याद रहेगा। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।